हेलो एवरीवन. सो आई वांट टू टॉक ऑन द फोर्स फीडिंग. ओके, मतलब हम लोग बहुत बारी सुनते हैं कि बच्चे को फोर्स फीड नहीं करवाना चाहिए, अगर वो नहीं खा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए. तो सी, इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है मेरे लिए, कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने एक बाइट दिया रुद्रांश को, उसने मना किया और मैंने डन कर दिया कि ठीक है मैं प्लेट लेके जा रही हूँ, इसको नहीं खाना है. नहीं, अगर मैंने उसको एक बार ही खाना खिलाने का ट्राई किया और उसने ना किया, तो मैं थोड़ी एक या दो मिनट बाद फिर से उसको बताती हूँ, अच्छा ये सब्जी है, ये रोटी है, तुमको खाना है, भूख लगी है. क्योंकि अभी वो 2 साल का है तो वो वैसे भी बोल सकता है कि मतलब यस या नो. तो मैं पूछती हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू, डू यू वॉन्ट टू ईट, तो वो नो बोलता है. मुझे लगता है कि नहीं, वो नो ही बोल रहा है, वो नहीं खाने वाला है, क्योंकि हम मदर समझ आते हैं कि ये अब नहीं खाने वाला है. तो मैं उस टाइम पे फिर उसको डन करती हूँ, और थोड़ी देर बाद अगर उसको भूख लगी है तो मैं वापस से ट्राई करती हूँ. या फिर मैं कई बार क्या करती हूँ, उस प्लेट को वहीं रख देती हूँ और उस एरिया में जहाँ पे वो है, अगर उसको फिर लगा कि अच्छा खाना खाना है तो वो वापस आता है और ट्राई करता है. अगर तो फोर्स फीडिंग क्या है ना, फोर्स फीडिंग का मेरा लॉजिक ये है कि आप बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो कि भाई दो बाइट खाना पड़ेगा, एक बाइट खाना पड़ेगा, तुमको खाना ही पड़ेगा. बेसिकली तुमको खिला के ही दम लेना है, दैट इज अ फोर्स फीडिंग. तो आपको वो नहीं करना है, आपको ट्राई करना है खिलाने का, बट आपको बच्चे के पीछे नहीं पड़ जाना है कि भाई तुमने खाना नहीं खाया, तुमको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं काम करेगा. मतलब मैंने देखा है फोर्स तो काम करता ही नहीं है बच्चों पे, बहुत ही ज़्यादा फिर है ना हेक्टिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हम भी परेशान हो रहे होते हैं, बच्चा भी परेशान हो रहा होता है. ऐसा नहीं है, बहुत बारी मैं भी ये सब चीज़ों में स्टक होती हूँ, तो मैंने देखा है रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं एंड में, सब चीज़ें एकदम हेक्टिक सी हो गई होती है हम दोनों के लिए. तो दैट्स हाउ आई डिफाइन फोर्स फीडिंग नहीं करने को. ट्राई करिए, 2-3 बार ट्राई करिए पीसफुली, आराम से. अगर बच्चा खा रहा है तो खिलाइए, फिर वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है तो आपको उस टाइम के लिए उसको नहीं बोलना है कि एक चम्मच खा ले, दो चम्मच खा ले, ऐसे वाला में नहीं काम करेगा मुझे लगता है.